हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया इंटरेस्टिंग दमदार टॉपिक है। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोग अभी देख रहे हैं पीसीएम 2.0 ऑब्जर्व एवरीडे एंजॉय योर एवरी मोमेंट, क्योंकि लाइफ में एंजॉय ही नहीं किया तो क्या ही किया, क्या किया। तो चलिए उस टॉपिक की ओर जाते हैं जो हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मीन क्या, वो हम लोगों को लाइफ में चाहिए ही चाहिए। वो चीज़ हमारे लाइफ में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। बहुत लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद ही इस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ। तो आज के जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बोला जाता है क्या, बोला जाता है कि हम लोग अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। यानी कि हमारे जो भी वर्क है, जो भी काम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दिक्कत आता है। क्यों आता है दिक्कत, क्योंकि उन लोगों को सही तरह से पता नहीं है कि वो लोग अपना टाइम को मैनेज कैसे करें, अपना वर्क को कैसे मैनेज करें, उसके साथ साथ वर्क में प्रोग्रेस कैसे कर सकते। यही एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हम लोग कोई भी वर्क करें ना, उसके ऊपर इतनी अच्छे से काम करना चाहिए ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हम लोग इन सारे चीज़ को अपने वर्क को मैनेज कैसे करें। तो पहली बात जो है, आप लोग एक ही काम कर रहे हैं ना, तो उसके मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक ही काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी रखे हुए हैं, तो आप लोग आगे जाने की उम्मीद बहुत बढ़ जाता है आप लोगों का। जब आप लोग इन सारे चीज़ों के मामले में, इन सारे चीज़ होने के बावजूद भी आप लोगों को आगे बढ़ना है, लेकिन आप लोग वहाँ पे जो ग्रोथ है वहाँ पे वो लोग आप लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे, वहाँ पे टाइमिंग डिले हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग उस चीज़ को फॉलोड नहीं दे पा रहे। मतलब आप लोग ग्रो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसकी वजह क्या है, पहली बात तो है कोई भी वर्क हो, देखो आप लोगों का शेड्यूल पहले से बना हुआ होता है। मतलब आप लोग जॉब प्रोफाइल पे तो एक महीना पहले ही आपका सारा शेड्यूल बना हुआ होगा, या फिर आप लोग एक स्टूडेंट है तो नेक्स्ट डे का प्लानिंग पे एक हफ्ते का प्लानिंग पूरी तरह से पता होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम, ये शेड्यूल बना होने की बात भी, मतलब आप लोग की रूटीन की बात कर रहा हूँ, ये शेड्यूल बना होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ पे करते हैं कि हम लोगों को पता नहीं होता कि नेक्स्ट डे में क्या करने वाले। आप लोग जब सोने जाते हैं, पहली चीज ये है आप लोग अफर्मेशन सुनते हैं, और जब जागते हैं उस टाइम पे भी अफर्मेशन सुनते हैं। जब ये दोनों टाइम को आप लोग कंट्रोल कर लेते हैं, दिन भर की टाइम आप लोग के हाथ में ही रहेगा। जितना टाइम आप लोग जिस चीज को देने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सारे चीज आप लोग दे सकते, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप लोग एक चीज को टाइम देना चाहते और टाइम नहीं दे सकते, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप लोग चलिए इस चीज को आप लोग जब खुद से कंट्रोल करना चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ कंट्रोल होता जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करिए कि आप लोग अपने टाइम को मैनेजमेंट करने से पहले, ये जो दो टाइमिंग है, सोने से पहले और सोने के बाद, जब आप लोग अफर्मेशन सुनेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इस दोनों चीज को कैप्चर करके रखता, मतलब दोनों चीज को कैप्चर करके रख देता है, जिसके वजह से बाकी दिन भर के टाइम आप लोग को पता ही नहीं चलता कब चला जाता है, और पूरी वर्क आप लोग दिल और दिमाग से करने लगते। अफर्मेशन एक ऐसा चीज है, वो एक प्रार्थना है, यानी कि एक प्रेयर है, एक ऐसी प्रेयर है जो आजकल की समाज, आजकल की दुनिया इस चीज को सही तरह से समझ में, उसके समझ में आ रहा है। क्योंकि हम लोग ऐसे प्रेयर करते हैं कि हम ही लोगों को पता नहीं होता और हम लोगों को सही तरह से समझ में भी नहीं आता है। जिसके प्रॉब्लम्स क्या होता है कि हम लोग तो वही बात बोलते हैं कि जो वही अच्छा चीज ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि उस चीज का इम्पैक्ट हमारे अंदर डालने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और उससे पहले हम लोग को पूरी चीज को समझना पड़ता है। लेकिन आप लोग जब इस चीज को कर रहे हैं, मतलब इस प्रेयर को कर रहे हैं, सारा का सारा चीज सिंपल है। आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, अफर्मेशन मतलब क्या होता है, खुद की लाइफ में जो जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने लिए अफर्मेशन बनाएंगे।
जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, जो आप लोग कर रहे हैं उन सारे चीज के रिलेटेड आप लोग अफर्मेशन बनाए, ताकि आप लोग की लाइफ इंप्रूवमेंट करे, ताकि आप लोग की लाइफ आगे जाए। और अफर्मेशन को आप लोग अपने अंदर डाल दिए ना, तो ऑटोमेटिकली जो आप लोग की वर्क स्पेस है, वर्क का जो स्पेस रहता है, आप लोग को समझ में नहीं आता कि उसके बीच में मैं 10 मिनट रील्स देखने की बजाय 2 घंटे तक रील्स देखता रहता हूँ। ये आजकल की प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन चुका है कि सोशल मीडिया ने आप सभी लोगों को इस तरह से जकड़ के रखा है कि आप लोग को खुद को भी नहीं पता कि इस चीज से कैसे टैकल करें। क्योंकि आप लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि मोबाइल ही मेरा जिंदगी, गर्लफ्रेंड चले जाए चलेगा लेकिन फोन मेरे पास रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये सारे चीज होने के बावजूद मतलब आप लोग की जिंदगी ही एक टेक्नोलॉजी बन चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग इंसान है, रोबोट नहीं। आप लोग कोई और कंट्रोल नहीं करता, ठीक है ना, आप लोग खुद के कंट्रोल में होना चाहिए। आप लोग कोई और कंट्रोल कर भी रहा है ना, ये बहुत बड़ी गलत चीज है। तो आप लोगों को पहले खुद को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। खुद को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आजकल के टाइम पे ज्यादा ऑब्जर्व करने के बाद मुझे एक चीज मिला, अफर्मेशन। आप लोगों को खुद की टाइम को मैनेज करना है, इसका मतलब आप लोगों को रोज सुबह और शाम के टाइम को अफर्मेशन की लत लगानी पड़ेगी। 21 डेज तक आप लोग कर लिए ना, तो आगे का तो ऐसे ही हो ही जाना है, समझ में आया ना। तो आगे छोड़ दीजिए, बस 21 डेज यानी कि 3 वीक्स तक आप लोग इस चीज को करते जाइए, ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में सब कुछ चेंज होने लगे। इसके बाद आप लोग अपने टाइम का शेड्यूल बनाइए, नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डे कौन सा ऐसी चीज है जिस चीज को मुझे करना ही करना है। उसमें थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं देखो जैसे कि कोई जॉब प्रोफाइल में है तो उसका शेड्यूल कैसा रहेगा। मैं मॉर्निंग में जाऊंगा, 9 बजे अपना सारा एक्टिविटी खत्म करके 10 बजे तक जाके ऑफिस में पहुंचने वाला हूँ। 5 बजे तक ड्यूटी है, 5 बजे ड्यूटी खत्म करके फिर वापस आऊँ। उसके बाद मार्केट जाना है, ये जाना है, वो जाना है, थोड़ा टाइम इधर उधर होता है, लेकिन आपकी पूरे दिन का शेड्यूल जब आप लोगों के पास बना रहेगा ना, तो आप लोग को क्लियरली मेंशन रहेगा कि मैं आज दिन में क्या क्या करने वाला हूँ। इसके साथ साथ ये जो टाइम मैनेजमेंट आप लोग कर लिए ना, इसका भी 21 डेज के आप लोग लत लगाएंगे तो पूरी तरह से आप लोगों की लाइफ सुधर जाएगी। और क्या करना है, आप लोग को तकलीफ हो रहा है और आप लोग ज्यादा सो रहे हैं ना, उस चीज को छोड़ दीजिए। पहले सोने के लिए जितना टाइम काफी रहता आप लोगों को भी नहीं मिलता। आप लोग 20 मिनट सुकून से सो सकते तो पूरा 6 घंटे तक सही से काम कर सकते हैं। फिजिकली जो लोग ज्यादा काम करते उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग मेंटली काम करते उन लोगों की बात कर रहा हूँ। ये एक रिसर्च ने बताया कि 20 मिनट हम लोग सो सकते हैं सुकून से, तो आप लोग 6 आवर तक ना काम को सही तरह से कर सकते, यानी कि हम लोग कुछ ही टाइम सो के पूरे दिन भर चीज को मैनेज कर सकते हैं। और आप लोग का आगे जाना है, आप लोग को ग्रोथ करना है, टाइम को मैनेजमेंट करना है, वर्क को मैनेजमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को इन सारे चीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आप लोग सारे चीज को कंट्रोल करना सीखे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप लोगों को कुछ दिक्कत आ जाए तो फिर से प्रॉब्लम होगा ना, लेकिन शुरुआत दिनों में आप लोग को दिक्कत होगा इस चीज में, क्योंकि सक्सेस नॉट ए कंफर्टेबल थिंग, ये चीज आप लोगों को पता है पहले से। और मैं हर वीडियो में यही चीज बोलता हूँ, सक्सेस नॉट ए कंफर्टेबल थिंग, क्योंकि सक्सेस पाना है आप लोगों को तो इसका मतलब यही होता है आप लोग सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं ना, तो आप लोग की जो लाइफ है उसे अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जब सही राह पर चलेंगे वहां पे आप लोग को बहुत सारा दिक्कत आए, और उस दिक्कत को जब आप लोग ओवरकम करके जाएंगे तभी आप लोग को मिलेगा सक्सेस। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नाम का चीज नहीं होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले से भी बता चुका हूँ। आप अपना वार का पूरी तरह शेड्यूल बनाकर रखे 24 आवर पर, कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ताकि आप लोग को क्लियरली पता रहेगा कि आप लोग क्या क्या चीज करने वाले हैं, और आप लोगों को काम भी अच्छे से होगा। क्योंकि जब आप लोग अपने दिमाग में सही चीजें डालोगे ऑटोमेटिकली वो सही रिजल्ट भी देगा ना। जैसे कि कंप्यूटर की बात कर रहे मतलब किया जाए तो वहां पे क्या होता है, उसमें 99.9% राइट आंसर रहता है, और 0.1% जो टेक्निकल इश्यूज के वजह से रॉन्ग दे सकते हैं या फिर इनपुट के
इनपुट की गलत सवाल के वजह से भी रॉन्ग आंसर दे सकते हैं, लेकिन 99.9% तक सही जवाब देते हैं। इट मीन्स कि जब हम लोग अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ ले करके आगे जाने के लिए जब आगे आएंगे ना, तो उस टाइम पे हम लोगों को दिक्कत होगा और वहां पे सिर्फ 0.1% उसने गलत देता है, क्योंकि वो एक कंप्यूटर है, उसे ऑपरेट करने वाला एक इंसान ही। इट मीन्स आप लोगों को कोई और ऑपरेटर ऑपरेट करे, इसका मतलब आप लोग सही काम, क्योंकि वो जो काम देगा आप लोगों को वही करना होता है। लेकिन आप लोग जब खुद की ब्रेन को खुद की कंट्रोल पे रखेंगे, देन आप लोगों को एक चीज तो प्रॉफिट होगा कि आप लोग सारे चीज को छोड़ते हुए खुद की एक्सपर्ट से, मतलब खुद के दिमाग को खुद कंट्रोल करेंगे तो उसका मजा ही कुछ आ करके देखिए। सबसे ज्यादा सबसे इंटरेस्टिंग यही एक चीज है कि हम लोग खुद की ब्रेन को कंट्रोल करें, क्योंकि पब्लिक क्या किस लिए वेट किया है मालूम है? आप जो बोलते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, एक चीज सोचिए कि लोग क्या बोलेंगे, ये हम ही लोग सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, ये हम ही लोग सोचेंगे। लोग क्या चीज सोचेंगे, वो हम ही लोग सोचेंगे, तो लोग फिर क्या सोचेंगे? तो उन लोगों को सोचने दे, मतलब उन लोगों को सोचने दो ना यार, हमें उस चीज से क्या मतलब है? लोग आज हमारे पास बुरा वक्त है तो लोग ये बोलेंगे कि इसका कुछ नहीं हो सकता। अब वहीं पे जब आप लोग अपने दिक्कत को लेकर के आगे बढ़ेंगे, दिक्कत के सामना करेंगे, फेस करेंगे, उससे ओवरकम होके आगे निकल जाएंगे, वही लोग जिस लोगों के बारे में आप लोग अभी बता रहे थे, वही लोग आके आप लोगों से ये बोलेंगे इस बंदे में दम है। तो वही लोगों को क्यों, मतलब जो लोग आगे पीछे दोनों तरफ को नहीं देखते, जो लोग सही वक्त पर आप लोगों के पास आ जाते हैं जब गलत टाइम आप लोगों का चलता है, उस टाइम पे आप लोगों के साथ देने की वजह से आप लोगों से दूर जा रहे, तो उन लोगों की साथ की जरूरत ही क्या है? क्यों चाहिए ऐसे लोग? आप ही लोग सोचिए, आप लोगों को क्यों चाहिए ऐसे लोग? सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते, क्यों नहीं बढ़ पाते? यही कि हम लोग उसे गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना है, अपना दिमाग को शांत कर देना है, अपना ब्रेन की मैपिंग करना है और खुद की कंट्रोल को खुद के हाथ में रखना है। क्योंकि आप लोग जब खुद की कंट्रोल को खुद के हाथ में रख देंगे, देन आप लोगों को कोई दूसरा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है, आप लोग कोई टेंशन नहीं लेने वाले हैं। जितना वो आता है आगे क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग अपने लाइफ में मस्त है ना, हम लोग उस वर्क को करने के लिए आगे जा रहे हैं ना, तो टेंशन ही क्या, मतलब टेंशन, हम लोग टेंशन थोड़ी लेने आए हैं, किसी को टेंशन दे रहे थोड़ी आए, हम लोग अपना काम करेंगे बस। अपना काम को जितना अच्छे से करते जाएंगे उतना ही अच्छे लेवल पे हम लोगों को पहुंचने के लिए मिले। आप कोई भी काम कीजिए, आप लोग सही से कीजिए, आप लोग को आगे ले करके जाने की क्षमता आप लोगों के अंदर हो जाएगा, ताकि आप लोग उन सारे चीज में इम्प्रूवमेंट कर जाए। आप लोग अपना वक्त की मैनेजमेंट कर लिए, आप लोग अपनी वर्क की मैनेजमेंट कर लिए, आप लोग का नेक्स्ट डे का वर्क क्या होगा पहले से बता होगा ना, तो आप लोगों की लाइफ में जो भी दिक्कत आ रहे हैं वो सारे दिक्कत नहीं आने वाले। आप लोग इन सारे चीजों के ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए, थोड़ा सा मेहनत, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन दिक्कत आपको होगा, दिक्कत से डर के भागना बहुत बड़ी गलती, दिक्कत से टैकल करना, दिक्कत से ओवरकम करना, देन हम लोग अपने लाइफ में ग्रो कर सकते। क्योंकि फ्लाइट में जाना है ना, तो अपने को हल्का होना पड़ता है। ट्रेन में तुम कितना भी सामान लेके जा सकते हो, जहाज में कितना भी सामान लेके जा सकते हो, लेकिन आप लोग को जब फ्लाइट में जाना है वहां पे कुछ लिमिटेड थिंग्स आप लोग लेके जा सकते। खुद को हल्का करना सीखिए, बहुत सारे चीज को आप लोग अपने दिमाग में डाल के रखे कि ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो पा रहे, इन सारे चीज को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, खुद की लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए।